आतंकवादी है रे, उग्रवादी है रे। छात्रों को क्या लगता है ये भाषा का प्रयोग करना चाहिए छात्रों को? इतना ही नहीं, MCPC जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, इतने भद्दी गालियां दी गई है। वो अपने आप को राष्ट्रपति से भी ऊपर मानते हैं। लड़की पे लात चलवा दिया है, अभी लड़की अब बीमार है, उनको पैर में चोट लगी है जिस कारण से यहाँ आ नहीं पाई है। ऑर्डिनेंस को भी मतलब ताक पे रख के गर्ल्स लोग से 1600 रुपया लिया जा रहा है सर। देखिए SC ST गर्ल्स का, हम लोग पाकिस्तान से आए हैं, पार्ट वन में बच्चा पास नहीं है लेकिन पार्ट थर्ड का उसका रिजल्ट भी आ गया है। बताइए इतना बड़ा अपराध पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने कैसे कर दिया, और आगे हम लोग भूख हड़ताल करेंगे सर, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार में छात्रों के द्वारा लगातार आंदोलन किया जाता है। एक बार फिर से पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के छात्र पटना के गर्दनी बाग में देखिए किस तरीके से बैठे हैं और काफी गुस्से में है। गुस्सा ये आखिर क्यों है, क्या पूरा मामला है, हम जानेंगे। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी हो या फिर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी या मगध यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट इतना गुस्से में आजकल क्यों? क्योंकि जितना आप लोगों को दिख रहा है कि सारा यूनिवर्सिटी का सत्र नियमित है, लेकिन अंदर से अंदर ही छात्र कितना परेशानी में है, इस चीज़ को ना VC देखते हैं ना कंट्रोलर देखते हैं। क्या किए हैं उन लोगों ने, 18-21 सेशन और 19-22 सेशन के विद्यार्थी को पार्ट थर्ड का परीक्षा पहले ही पास करा दिए, जबकि ये विद्यार्थी पार्ट वन में प्रमोटेड है। और आज जब ये विद्यार्थी पार्ट वन का प्रमोटेड का फॉर्म भरवा दिया और अब इनका एडमिट कार्ड जारी नहीं करता, अभी तक नहीं नहीं, क्योंकि 20 तारीख से परीक्षा शुरू हो गया, उससे पहले ही प्रैक्टिकल लिया गया। AN कॉलेज जो बिहार का सबसे बड़ा कॉलेज है, उस कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जाम ले लिया जाता है, यानी कि उस कॉलेज के कोई नियम नहीं पता है। आज वो नियम का बात कर रहे हैं, नियम बोलता है कि पार्ट थर्ड का परीक्षा तभी बच्चा देगा जब वो पार्ट वन पास करेगा, लेकिन नियम उस समय नियम नहीं देखा गया। आज वो नियम का बात कर रहे हैं कि 5 साल और 3 साल, उनको राजभवन से निर्देश दिया गया, 1 सप्ताह से सारे बच्चे दौड़ रहे हैं कि आप इन लोगों का बात सुने, लेकिन VC का मनमानी है, उग्रवादी आतंकवादी बोल करके भगा दिया जाता है। आतंकवादी उग्रवादी तुम लोग गलत हो, यही सब बोल के भगा दिया, मार दिया जाता है डंटा से, और लड़कियों को सबको मार दिया जाता है, कुछ नहीं पूछते हैं। अपने आगे डॉक्टर RK सिंह VC किसी को नहीं समझते हैं। कल इस मैटर के चलते हम लोग सम्राट चौधरी के पास गए, सम्राट चौधरी भी फ़ोन किए VC को, लेकिन उनका फ़ोन वो नहीं उठाए, फोन नहीं उठा रहे हैं, सेशन लेट चल रहा है, एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, दूसरे कॉलेज में हर चीज़ सही से चल रहा है, तो आपके कॉलेज में आपके यूनिवर्सिटी में ऐसा क्यों हो रहा है? सर पूरी तरीके से जो मनमानी कर रहे हैं हमारे भी से, जो RK सिंह है वो अपने आप को राष्ट्रपति से भी ऊपर मानते हैं, राष्ट्रपति से भी ऊपर मानते हैं। इसलिए मानते हैं क्योंकि हम लोग जो है, जब हम लोग का एडमिट कार्ड नहीं आ रहा था, रिकॉर्ड नॉट फाउंड वेबसाइट पर दिखा रहा था, 15 दिन से हम लोगों ने सारे स्टूडेंट ने अप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी परिसर में जाके दिया, लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई, अपितु हम लोग जो 15-20 लड़के थे, 50 फोर्स बुला के हम लोग पर लाठी डंडे चलाए गए और हम लोग को हाथ पकड़ के उठाया गया और हम लोग को आतंकवादी है रे, उग्रवादी है रे। छात्रों को क्या लगता है ये भाषा का प्रयोग करना चाहिए छात्रों को? इतना ही नहीं, MCPC जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, इतने भद्दी गालियां दी गई है, लड़कियों को डंडों से पीटा गया, आप खुद बताइए एक शिक्षक के द्वारा इतना भद्र बात क्या शोभा देता है? हम लोग को बोला गया कि तुम्हारी औकात क्या है, सच में हमारी कोई औकात नहीं है, वो कहते कि मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, रात सवा से उनको फ़ोन गया है फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। भाजपा कार्यालय के जो सम्राट चौधरी सर हैं उनके द्वारा उनको फ़ोन किया गया, 10 बार फ़ोन किया गया, कोई एक्शन नहीं, मतलब वो राष्ट्रपति से भी ऊपर है ना। विपक्ष के भी बात अब नहीं सुन रहा है कोई? नहीं सर, हम लोग कल भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उनसे मिलने गए सर, वो हम लोग के सामने हम लोग की मदद के लिए कॉल लगाया VC को, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को, लेकिन सर वो उनका कॉल तक नहीं उठाया सर, तो समझिए हम लोग से कैसा बिहेव वो करता होगा। तो सरकार कह रही है ना भाई कि छात्रों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, छात्रों की सरकार है और गरीबों का सरकार। ये देखिए, आपको भी पता होगा महिला को पैसे नहीं लेना, 0 रुपया लगना, लेकिन फी देखिए ये BD कॉलेज का है, ST ST और गर्ल्स के लिए देखिए कितना फी है, 1650 रुपये। क्या ये तो मुख्यमंत्री से भी अपने आप को ऊपर समझ रहे हैं? निर्देश है सर कि महिला को जो मतलब कि फी है ना, उसमें मतलब कि उसमें पैसा नहीं लगेगा महिला लोग को, गर्ल्स लोग को है, लेकिन उनका मतलब ऑर्डिनेंस को भी मतलब ताक पे रख के गर्ल्स लोग से 1600 रुपया लिया जा रहा है सर। देखिए SC ST गर्ल्स का, सरकार के भी बातों का उल्लंघन हो रहा है सर, धड़ल्ले से हो रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है। और सर बताइए, VC साहब राज्यपाल बुलाए तो नहीं गए, उनके बातों को इग्नोर किया गया, तो जब हम राष्ट्रपति के पास पहुंचेंगे, अगर उनके PA फोन करते हैं तो बातों को इग्नोर कर देंगे, जब उतने बड़े लोग को बात, आतंकवादी बोलते हैं, जी बोलते हैं, और बता, आतंकवादी है उग्रवादी, हम लोग पाकिस्तान से आए हैं, पुलिस भी बुला के निकलवा दिए, 50 फोर्स को बुलाया गया, और ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये के लिए सर वो 60 फोर्स बुलाए थे,
निहत्थे लोगों पर। आपको हम दिखा रहे हैं ये नियम है 1988 के अकॉर्डिंग, आपको भी पता है जो पार्ट वन पास नहीं कर सकता, जो पार्ट टू पास नहीं कर सकता, वो पार्ट थर्ड का अपना फॉर्म भर सकता है, एग्जाम दे सकता है। ये देखिए पार्ट थर्ड का, ये देखिए पार्ट थर्ड, पार्ट वन में बच्चा प्रमोटेड है, पास नहीं किया है, पार्ट वन में बच्चा पास नहीं है, लेकिन पार्ट थर्ड का उसका रिजल्ट भी आ गया है। बताइए पार्ट वन का एग्जाम भी नहीं दिया है, पास नहीं है और रिजल्ट आ गया, पार्ट थर्ड का एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आ गया। इतना बड़ा अपराध पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने कैसे कर दिया? अब हमारा और इस बिहार में कभी कभी स्टार को भी एग्जाम में बैठा दिया जाता है, मनमानी है, बिल्कुल सर मनमानी, घूसखोरी और फ्रॉडबाजी है। और हम लोग को बोला जाता है कि तुम्हारी औकात क्या, आप इतना ही मानिए, इतना बड़ा उन्होंने गलती किया। उसके बाद इसी साल हम लोग से पार्ट वन के जो स्टूडेंट है, जो प्रमोटेड है, सबसे एग्जाम में सर फॉर्म भरवा लिया, पैसा ले लिया, प्रैक्टिकल का एग्जाम करवा लिया, और कल एग्जाम है। दो दिन पहले बोला जाता है कि तुम्हारा सेशन एक्सपायर है। बताइए चार साल हम क्या करें? सुने ना वीसी, ना सुने या कोई ना सुने, तो अब आगे के स्टूडेंट्स क्या करेंगे? हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं और आगे हम लोग भूख हड़ताल करेंगे सर, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। भूख हड़ताल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या कह रहे सर? हमको बताइए पूरा भारत में अगर राज्यपाल को सबको मान है, मानते हैं बात को, तो बीसी साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं कि भारत, पूरा भारत जब उनका बात मानता है तो बीसी साहब क्यों नहीं बात मानते हैं? पूरा भारत मान रहा है उनका बात कि राज्यपाल भाई सर्वोपरि है, तो बीसी साहब क्यों नहीं मान रहे हैं? मानना चाहिए ना बीसी साहब को। सबसे कहाँ पे चूक हो रही है? यहाँ पे यूनिवर्सिटी का बीसी साहब का बात नहीं माना जा रहा, पूरा भारत मानता है उसका बात। तानाशाही और मनमानी, बिल्कुल पूरी तरीके से जब से ये आए हैं बीसी बनके, आर के सिंह जी जो है, इन्होंने तानाशाही किया है पूरी तरीके से, तानाशाही है अपने आप को। आगे क्या, अब सवाल बस इतना कि अब सड़क पे बैठे हैं छात्र बिहार के, तो अब आगे क्या करेंगे? क्या लगता है इसे सरकार सुन लेगी, बीसी साहब सुन लेंगे? जब सर एक सप्ताह से हम लोग दौड़ रहे हैं और विपक्ष का भी दरवाजा खटखटा ही लिए और राजभवन भी चल गए, तब भी बीसी का मनमाना नहीं घट रहा है, तो कल से अगर आज नहीं सुना गया तो विश्वविद्यालय के गेट के बाहर जो चबूतरा है, बिना कहीं पर किसी को बाधा पहुंचाए हुए भूख हड़ताल पर सभी छात्र बैठेंगे। भूख हड़ताल पर बैठेंगे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। पूरा कॉलेज में ताला मार दीजिएगा, यूनिवर्सिटी में मारेंगे, पूरा यूनिवर्सिटी, हाँ पाटलिपुत्र पूरा बंद कर देंगे, शांतिपूर्ण से नहीं पढ़िएगा, ताला लटका दीजिए। अब क्या किया जाए, जब बिहार के जो माननीय हमारे कुलपति महोदय हैं, अब वो जब हमारी भविष्य को बर्बाद कर ही रहे हैं, तो अब हम लोगों को लग रहा है कि बिहार उग्रवादी कहते हैं, आतंकवादी बोला है उन्होंने, उन्हें लड़की पे लात चलवा दिया है, अभी लड़की अब बीमार है, उनको पैर में चोट लगी है जिस कारण से यहाँ आ नहीं पाई है, लड़की को लात चला दिया गया है वहाँ पर। जब इस चीज़ का वीडियो बना लिया गया था तो उस बच्चे का फोन फोड़ दिया गया है जिस फोन में वो वीडियो था। और जब अब बिहार की शिक्षा व्यवस्था ये हो गई है कि यहाँ पढ़ाला लिखाना नहीं है, बच्चों को सड़क पर बैठाना है, मानसिक तनाव देना है, तो बिहार के बच्चे गुंडे नहीं बनेंगे तो क्या आईएएस आईपीएस बनेंगे क्या? बिहार की जो आईएएस आईपीएस की घटती हुई तादाद है वो कारण क्या है? यही शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था को धूमिल का ये गुस्सा है। और सब ये लोग हाथों में पोस्टर लेके तमाम पेपर पर लिखे हैं कि छात्रों का भविष्य बर्बाद करना बंद करो, और देखिए किस तरीके से ये नारेबाजी भी कर रहे हैं, वीसी हटाओ वीसी हटाओ, खूब गुस्से में है और साफ तौर से कह रहे हैं कि अब जल्द से जल्द कार्रवाई हो, टाइम बीत गया है। हमारे तरफ से हमें आतंकवादी, हमें उग्रवादी कहा जाता है, पटना के गर्दनी बाग में ये तमाम छात्र बैठे हैं भड़ाल। इस खबर में बस इतना ही, अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।